मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के 593 मंदिरों के लिए जारी किया 593 लाख का बजट। देवस्थान विभाग राज्य भर के मंदिरों में पोशाक और साज सज्जा पर खर्च करेगा ये बजट। राज्य भर के निशक्त जन मतदाताओं को मतदान केंद्रों पर उपलब्ध करवाई जाएगी व्हील चेयर। मुख्यमंत्री गहलोत ने 10,000 से ज्यादा व्हील चेयर की खरीद के लिए 8.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी। उदयपुर के ऐतिहासिक गांधी ग्राउंड पर समारोह पूर्वक मनाया गया जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह। सांस्कृतिक समारोह के बीच जिला कलेक्टर ने स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिजनों को भी किया अभिनंदन। चित्तौड़गढ़ में सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने 77वें स्वाधीनता दिवस पर किया ध्वजारोहण। मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत लाभार्थियों को वितरित किए फूड पैकेट भी। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में भी अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की हुई शुरुआत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाभार्थियों से संवाद कर वितरित किए फूड पैकेट। श्रीगंगानगर में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अंध विद्यालय में मनाया गया स्वतंत्रता दिवस समारोह। अंध विद्यालय के छात्र छात्राओं ने नृत्य और गायन की दी प्रस्तुति। सिरोही स्थित ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में वृक्ष वंदन कार्यक्रम किया जा रहा है आयोजित। देशभर में 40 लाख पेड़ पौधे लगाए जाने का रखा लक्ष्य। उदयपुर में भी खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित परिवारों को वितरित किए फूड पैकेट। मुख्यमंत्री ने निःशुल्क अन्नपूर्णा योजना का वर्चुअल माध्यम से किया शुभारंभ। नगर निगम हेरिटेज जयपुर ने अतिक्रमण के विरुद्ध की बड़ी कार्रवाई। सतर्कता उपायुक्त के निर्देश पर 2 ट्रक सामान किया जब्त। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सीकर में लगातार 29वें दिन भी नर्सिंग कर्मियों का धरना जारी। आज से नर्सिंग कर्मियों ने 2 घंटे कार्य का बहिष्कार भी किया शुरू। बाधित विद्युत आपूर्ति को लेकर बूंदी जिले में ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर पर किया प्रदर्शन। भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में क्षेत्र में जल्दी विद्युत आपूर्ति सुचारू करने सहित कई मांगों पर की नारेबाजी। बारा जिले में मनाया गया मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लाभार्थी उत्सव। वर्चुअल माध्यम से मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से किया संवाद भी। गर्मी और उमस के बीच दौसा जिले में बारिश होने से लोगों ने ली राहत। निचले इलाकों में पानी भरने से क्षेत्रवासियों को अव्यवस्था भी हुई। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जाड़ावत ने बस्सी में 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बनी कन्या महाविद्यालय भवन का किया उद्घाटन। 35 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 सड़कों का भी किया शिलान्यास। और श्री जैन श्वेतांबर महासभा के तत्वावधान में उदयपुर में आयड़ तीर्थ में आयोजित हुआ महामांगलिक श्लोक श्रवण कार्यक्रम। साध्वियों ने संस्कारों की बताई महत्ता।